हेलो। देखिए, आज उन्होंने कैसे ट्रेड किया। आप लोग का कमेंट आया था कि सर अपना लेवल और मार्केट का एनालिसिस भी शेयर किया करिए, तो आज हम वही कर रहे हैं। देखिए, मार्केट क्लोज हो गया, अभी समय हो रहा है 16:31। तो देखिए, आज हमने कैसे ट्रेड किया मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, फिर उसके बाद मार्केट का एनालिसिस आप सभी के साथ शेयर करूंगा। मैंने मार्केट का एनालिसिस कर लिया है, मैं आप सभी के साथ लेवल प्रोवाइड कर दूंगा, तो जिससे आपको आसानी होगी आपको समझने में, और कैसे कल ट्रेड करेंगे वो भी बता देंगे। वैसे भी मैं शॉर्ट वीडियो में आप सभी के साथ शेयर कर देता हूँ कि उस समय जो शेयर करता हूँ वो एक्यूरेट शेयर करता हूँ कि मार्केट गैप अप या गैप डाउन जो भी ओपन होने वाला उसके अकॉर्डिंग मैं शेयर करता हूँ। खैर, आप लोग का रिक्वेस्ट था तो हम वीडियो लेके उपस्थित हो गए। देखिए, मैंने आज ट्रेड किया, मैंने सबसे पहले शॉर्ट वीडियो में आप सभी के साथ अपडेट किया था कि मार्केट गैप अप ओपन होने वाला है, हम लोग वीकनेस देखेंगे, रेजिस्टेंस वीकनेस देखेंगे, शॉर्ट कर देंगे। कल भी यही किया था, हमने वीकनेस देखा था, शॉर्ट कर दिया 1:4। 1:4 तो आप लोग बुक किए थे, जो हमारे टेलीग्राम से जुड़े हैं वो हम जो किए थे वो 1:5, वैसे 1:8 है, 1:5 इसलिए क्योंकि एसएल में बड़ा रखा था। तो सेम यही था, मार्केट ने वीकनेस यहाँ पे शो कॉस्ट किया वीकनेस, तो यहीं पे मैंने ट्रेड बनाया था अपना। एंट्री कैंडल ये है। आज के दिन एसएल बड़ा था, आज के दिन एसएल 15 पॉइंट का एसएल मैंने लिया था। क्यों इसलिए लिया था, क्योंकि मेरा जो क्वांटिटी था वो कम हो गया था, तो मेरा रिस्क जो है, जो रेगुलर मेरा रिस्क होता है, जैसे अगर हम एक लॉट में कर रहे हैं तो एक लॉट में जो रिस्क लेते हैं 500 का लेते हैं, तो वो 500 का ही आ गया था। तो ऐसे ही क्वांटिटी कम कर दिए थे, तो वो रिस्क जितना था उतना ही रिस्क आ गया था। तो यहाँ पर मैंने लिया था एसएल जो था, ये नियर बाई जो ये हाई लगा हुआ था इसका था, तो 1:4 के लिए टारगेट था, लेकिन ब्रेकआउट इसको था कि ये ब्रेकआउट करेगा, और ये क्योंकि ये गैप अप है तो इसको फील करना चाहिए। यहाँ पे फील किया है, गैप अप फील किया, तो यहाँ पे हमने एसएल बुक किया है। अपना टेलीग्राम से चेक करा दे, फिर उसके बाद मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूँ अपना स्ट्राइक प्राइस। देखिए, आज मैं 2-3 एक स्ट्राइक प्राइस शेयर किया था, तो देखिए इसमें डाइवर्जेंस मेरे तीनों में दिख रहा था, तो तीनों को इसलिए शेयर किया कि डाइवर्जेंस जिसमें हमको दिखेगा तो हम उसमें एंट्री करेंगे। तो डाइवर्जेंस इसी में दिख गया, 21 मार्च 22 100 का पुट में ही डाइवर्जेंस दिख गया था, तो इसी में हम लोग बनाए थे। देखिए, सबसे पहले मैं आप सभी के साथ टाइमिंग देखा, 9:39 पर मैंने मैंने यहाँ पे शेयर किया था ब्रेक डाउन एक्सपेक्टेड, साथ ही में मैंने शेयर किया था कि वेट अभी नहीं करना। फिर देन 9:42 पर यहीं पे मैंने बाई बोला था कि बाई और एसएल ये रहेगा। तो यहाँ पे मेरे को डाइवर्जेंस दिखा जो बता रहे हैं आप सभी के साथ उस वाले स्ट्राइक प्राइस में, तो स्ट्राइक प्राइस में डाइवर्जेंस दिखा। देन उसके बाद यहाँ पे हमने एसएल बुक किया, एसएल देखिए बढ़ा रखे थे, 117 पे मेरा एंट्री था और 98 पे मेरा स्टॉप लॉस था, लेकिन दोबारा मार्केट देखिए यहाँ ब्लफ किया, ब्लफ करके फिर ऊपर गया, तो यहीं का नेक्स्ट मेरा ट्रेलिंग एसएल हो गया था। तो मैं सभी आप सभी के साथ अपडेट किया था कि यहाँ पे 103 पे एग्जिट करने का प्लान बनाएंगे, यहाँ पे एसएल हो गया। तो आज मैंने एसएल बुक किया है। नेक्स्ट अपना हम दिखाते हैं आपको स्ट्राइक प्राइस, कि आज हमने स्ट्राइक प्राइस कौन सा लिया था। स्ट्राइक प्राइस 22 100 का पुट लिया था, जो मेरा एंट्री कैंडल था ये था, और जो एसएल लिया था, जो कैंडल एसएल लिया था वो ये एसएल ये लिया था। तो आज एसएल हमने बुक किया। नेक्स्ट मैं कल के लिए आप सभी के साथ थोड़ा सा ब्रीफ दे दें, वैसे ही सुबह ही बनाते तो सबसे मस्ट वही रहेगा कि आप सुबह देखें, लेकिन फिर भी मैं आप सभी के साथ एक ब्रीफ दे देता हूँ। देखिए, कल का जो प्लान अपना रहेगा, कल वो बाई साइड में हम सोचेंगे, बाई साइड में इसलिए कहेंगे क्योंकि अगर इसको जूम इन करेंगे तो मार्केट देखिए लो हाई लो बनाया है, तो इस बेसिस पे हम लोग ट्रेड करते हैं। अगर मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है तो अगर इसको टच कर रहा है तो हम लोग वेट करेंगे। वेट इसलिए करेंगे कि देखेंगे कि यार रीटेस्ट करके मार्केट दोबारा उस ट्रेड उसको टच कर रहा है, अगर टच कर रहा है तो हम लोग फिर से वेट करके उसके ब्रेकआउट पे या ब्रेकआउट से पहले प्लान बनाया जाएगा। नेक्स्ट जो है मार्केट, अगर सबसे देखिए सबसे बेस्ट केस यही अगर होगा, अगर मार्केट अगर ये करे तो मार्केट गैप डाउन ओपन हो, नीचे कंटिन्यूशन करे, देन उसके बाद सपोर्ट बनने पे हम लोग कॉल के साइड में जाएंगे, सबसे बेस्ट केस यही बनने वाला है। इसके अलावा कोई और केस बनता है तो वो टेलीग्राम पे आपके अपडेट कर देंगे, और सबसे अच्छा तरीका यही रहेगा आप सभी के साथ फिर से मैं अगेन कर दूँ कि शॉर्ट वीडियो सुबह आएगा, 8 बजे से पहले ही आ जाता है, 9 बजे से पहले ही आ जाता है, आप उसे ज़रूर चेकआउट करिएगा। मैं अपने टेलीग्राम पर भी अपडेट कर देता हूँ कि वीडियो आ गया, आप लोग देख लें, आप लोग वॉच कर लें। उससे क्या होगा कि मार्केट का एग्जैक्ट हम बता सकते हैं कि मार्केट कैसे बिहेव करने वाला है। जैसे आज देखिए मार्केट, मैंने बिहेव बताया आप सभी के साथ कि रेजिस्टेंस बनने पे हम लोग शॉर्ट करेंगे, तो खैर एसएल हुआ, लेकिन मेरा यही था कि इसको फील जरूर करेगा, लेकिन फील मार्केट ने फील किया यहाँ पे। तो देखिए आज कल के दिन यही 2 केस होगा, नया केस जो भी क्रिएट होगा मैं आप सभी के साथ टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। यही 2 केस पे आज हम कल हम लोग ट्रेड करेंगे। हम मेरा बेसिक अगर पूछेंगे क्या होगा, तो दोनों केस में कॉल के साइड में जाएंगे। अगर नया अनदर कोई केस अगर क्रिएट हो रहा है लाइव मार्केट में, मैं अपडेट करूंगा, मैं उस पर भी ट्रेड करूंगा।
वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। टेलीग्राम से जुड़ना हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइडेड है, आप जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।